दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ हम में से बहुत सारे लोगों का पहला मोबाइल फोन ब्रांड नोकिया की। दोस्तों यूं तो नोकिया के मोबाइल फोन सैमसंग और एप्पल के आ जाने के बाद गायब से हो गए हैं, लेकिन यही अगर कुछ समय पहले तक की बात करें तो नोकिया मोबाइल फोन्स का दूसरा नाम होती थी और इसके हार्डवेयर को सबसे मजबूत और टिकाऊ माना जाता था। इसके अलावा यह फोन सबसे पहला फोन होने की वजह से कहीं ना कहीं हमसे इमोशनली भी जुड़ी हुई है, और यही वजह है कि नोकिया के फोन्स भले ही मार्केट में ज्यादा नहीं हैं, लेकिन लोगों का ट्रस्ट अभी भी इस ब्रांड पर पूरी तरह से बरकरार है। तो चलिए दोस्तों कुछ सालों पहले तक मार्केट पर राज करने वाली फोन नोकिया की जर्नी को हम शुरू से जानते हैं। दोस्तों नोकिया कंपनी की शुरुआत फेडरिक नाम के एक व्यक्ति ने साल 1865 में की थी। दरअसल इसकी शुरुआत एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी के तौर पर नहीं बल्कि एक पेपर मिल के तौर पर हुई थी। साल 1871 में फेडरिक ने अपने दोस्त लियो के साथ मिलकर एक और कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने नोकिया एबी रखा। दरअसल नोकिया फिनलैंड की एक नदी का नाम है और इसी नाम से वहां पर एक कस्बा भी बसा हुआ है। आगे चलकर 1922 में नोकिया दो कंपनी फिनिश रबर वर्क और फिनिश केबल वर्क के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक्स और केबल का कारोबार करने लगी, और फिर यही तीनों कंपनियां एक में मर्ज होकर 1967 में नोकिया कारपोरेशन की स्थापना की, जिसके मुख्य रूप से चार बिजनेस थे, फॉरेस्ट्री, केबल, रबर और इलेक्ट्रॉनिक्स। अगले तीन साल बाद 1970 में नोकिया कारपोरेशन ने नेटवर्किंग और रेडियो इंडस्ट्रीज में भी कदम रखा, जहां पर वे फिनलैंड के आर्मी के लिए रेडियो इक्विपमेंट बनाने का काम करती थी। 1980 तक नोकिया ने अपनी मार्केट की पकड़ रूस तक बना ली, और फिर आगे चलकर 1980 से 1990 के बीच तीन कंपनीज को एक्वायर कर लिया। सबसे पहले 1984 में टीवी बनाने वाली कंपनी सलोरा को, फिर 1985 में कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी लग्जर एबी को, और फिर 1987 में एक ऑल टीवी बनाने वाली कंपनी ओसैनिक को। इस तरह से नोकिया अब तक टेलीविजन बनाने वाली तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। इन दिनों तक नोकिया काफी बड़े लेवल पर टीवी और मिनी कंप्यूटर्स बना रही थी, लेकिन मोबाइल क्षेत्र में भी क्रांति लाने के लिए नोकिया ने अपने कदम बढ़ा लिए थे, और फिर टेलीफोन कंपनी मोबिला को एक्वायर कर 1982 में नोकिया ने अपना पहला फोन लॉन्च किया जिसका नाम था मोबिला सेनेटर। और फिर अगले पांच सालों बाद 1987 में नोकिया अपना पहला पोर्टेबल मोबाइल फोन मोबिला सिटीमैन नाम के साथ लाई। आगे 1990 में नोकिया ने सीमेंस कंपनी के साथ मिलकर पहला जीएसएम नेटवर्क डेवलप किया, और नोकिया के फोन से ही दुनिया का पहला जीएसएम कॉल फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैरी हॉलकेरी ने 1 जुलाई 1991 में किया था। यहां से नोकिया कारपोरेशन का नाम मोबाइल नेटवर्क की दुनिया में सबसे पहले लिया जाने लगा, और फिर 1992 में नोकिया का पहला कॉमर्शियल जीएसएम मोबाइल फोन 1011 लॉन्च किया गया। और इस तरह से 1998 तक नोकिया मोटोरोला को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा बिकने वाला मोबाइल फोन ब्रांड बन गया। 2003 में नोकिया ने सबसे ज्यादा बिकने वाला मोबाइल फोन नोकिया 1100 लॉन्च किया, और शायद उस फोन को आपने भी यूज किया होगा। अरे वही जो टॉर्च के साथ आता था और उसके एड्स हम टीवी पर भी देख सकते थे। आगे चलकर नोकिया ने अपना पहला कैमरा फोन नोकिया 7650 लॉन्च किया, और फिर इसके बाद भी उन्होंने कैमरा के साथ बहुत सारे मॉडल्स लॉन्च किए। 2006 में नोकिया एडवांस कैमरे के साथ N95 फोन भी लाया, और फिर 2010 में 12 मेगापिक्सल वाली N8 भी आई। लेकिन मार्केट में एप्पल और सैमसंग के आ जाने के बाद नोकिया के बुरे दिन शुरू हो गए, और फिर नोकिया की डिमांड बहुत तेजी से घटने लगी। इसीलिए नोकिया ने 2011 में माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करते हुए नोकिया विंडो फोन लुमिया 800 लॉन्च किया, लेकिन इस मोबाइल को भी कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला, जिससे नोकिया कंपनी घाटे में चली गई और कंपनी लगभग बैंकरप्ट हो चुकी थी। इसीलिए सितंबर 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया ब्रांड को टेक ओवर कर लिया, और फिर आगे भी नोकिया के बहुत सारे फोन्स लॉन्च किए गए, लेकिन नोकिया के फोन्स ग्राहकों का मन लुभाने में असफल रहे। हालांकि नोकिया से लोगों का एक इमोशनल अटैचमेंट रह चुका है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पहला फोन नोकिया ही था।
और इसी वजह से लोग अब भी नोकिया का साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन नोकिया को जरूरत है एक अच्छा फोन मार्केट में उतारने का। बहरहाल जो भी हो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका सबसे पहला फोन कौन सा था। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।